हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे मटन चटकारा पोटी कबाब। ये तो बहुत बार आपने बनाया होगा, पर इस बार हम ऐसा कबाब बनाएंगे जो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही कुरकुरा रहेगा। बहुत ही अलग मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन ले लिया है। आप चाहे तो इसे बीफ में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर मैंने मटन को बहुत अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड कर दे। और उसके ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। जो बेसिक मसाले रहते हैं वो हम इसमें सारे इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटा और चटकदार बन के तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, ज़रूर डालिएगा। साथ में 1/2 चम्मच के करीब हम विनेगर डालेंगे। और इन सब के साथ अब हम थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। बस इसे डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्स होने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एक प्रेशर कुकर लेंगे। और प्रेशर कुकर में अब हमने जो मैरिनेट किया हुआ जो मटन है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में यहाँ पे हम 1/2 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब कुकर को लीड लगाकर हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने का वेट करेंगे और उसे फिर 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 10 मिनट में मटन बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, बहुत जल्दी से और झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। एकदम अच्छे से आपको मटन को गलाना है और हल्का मसाला रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि मसाले जब रहेंगे ना तभी ये जूसी बन के तैयार होगा। तो आपको इसी क्वांटिटी में रखना है और नहीं बहुत ज़्यादा ड्राई करना है और नहीं बहुत ज़्यादा पानी रखना है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से मटन जो हमारा है गल चुका है। अब कुकर के मटन को हम एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है मैंने, साथ में कसूरी मेथी, ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में यहाँ पर कूटा हुआ धनिया है, कूटा हुआ धनिया है, पाउडर नहीं है, पाउडर नहीं डालना है आपको, कूटा डालना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। डालने के बाद हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस टाइम पे इसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे ये मसाले बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर पे आप इसे रख सकते हैं और जब दिल का करे आप इसे निकालें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पे आप इसे ज़्यादा से क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, जो बहुत ही आराम से कोई भी गेस्ट आए या कभी आए तो बस आप निकालें और बस फ्राई कर लें। तो बस इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है। अब बस नेक्स्ट में अब हम क्या करें। तो यहाँ पे एक पैन में तेल गरम कर लिए हैं। जैसे ही तेल बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा हम सारे मटन को इसमें ऐड कर देंगे और इसे फ्राई होने में बिल्कुल 10 से 15 सेकंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से गला हुआ है। ये देखिए, बस 5 सेकंड में ये कितना अच्छा सा रेड कलर आ गया है इसमें। तो बस 10 से 15 सेकंड में हम इसे फ्राई करेंगे और इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट से ये फ्राई हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है ये देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग और कितना डिलीशियस लग रहा है। खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, झटपट से ये फ्राई हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। बस इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दें और ऊपर से चाट मसाला हल्का सा डाल देना, तो ये एकदम बहुत ही चटकारा कबाब आपके जो है वो बन के तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। बस मसाले को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें, ये देखिए, और ये जो आपके कबाब है, जो बूटी कबाब है, ये बन के तैयार है। मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, ऊपर से कितना क्रिस्पी था ना, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस बकरीद इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर